नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल डियाना सूज में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बनाएंगे बेलो टंग सेफ्टी वुड स्टैंडर्ड 42 साइज, जिसकी स्टैंडर्ड लास्ट लेंथ है 280 mm। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह है इसका सीपी पॉइंट। इस पॉइंट को मान लेते हैं टी पॉइंट। बैम पॉइंट का मार्क लगाएंगे। बैम पॉइंट होता है 3/4 ऑफ स्टैंडर्ड लास्ट लेंथ, मेजर फ्रॉम सीपी। सीपी से मेजर करेंगे और 210 mm पर मार्क लगाएंगे। देखिए, यह है इसका बैम पॉइंट बी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं 1/4 ऑफ लास्ट लेंथ, 70 mm। ये हो गया इन स्टेप। देखिए, ये बनाएंगे हम। इस बूट के मार्टर में 12 cm मार्क लगा लेते हैं। ये हमने मार्क लगा लिया। ये हो गया इसका बैक हाइट पॉइंट। देखिए, दो पॉइंट यहाँ लगाएंगे 3 mm के डिस्टेंस पर फ्रॉम टी पॉइंट, और ये होता है सीट पॉइंट एस। यहाँ से भी 3 mm के डिस्टेंस पर मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से बैक हाइट पॉइंट से 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ट्रेस करेंगे। 90 डिग्री के एंगल पर, या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। अब देखिए, ये हमने जो पॉइंट लगाए थे 3 mm के डिस्टेंस पर, काउंटर पॉइंट से इस स्टैंडर्ड को रोटेट करेंगे और इस पॉइंट पर मिलाते हुए लाइन ट्रेस करेंगे। देखिए, दोबारा इसको पोजीशन पर रखें पहले वाली, और फिर रोटेट करें। देखिए, अब इसको इसी शेप में आगे बढ़ाएंगे। इसको भी देखिए, इसकी ओपनिंग रखेंगे 130 से 135 mm के बीच। देखिए, 7 साइज के लिए रखते हैं 130 mm, यहाँ रखेंगे इसको 133 mm। 3 mm प्लस कर लेते हैं ग्रेडिंग में। हमने मार्क लगा दिया। अब एक पॉइंट लगाएंगे इन स्टेप से 4 mm की डिस्टेंस पर। देखिए, ये जो पॉइंट लगाया है हमने, इसको मान लेते हैं के पॉइंट। के पॉइंट से 10 to 15 mm, 12 mm तक लगा लेते हैं हम। 12 mm की डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लगा लिया। इस पॉइंट को मान लेते हैं एल पॉइंट, जो हमने 12 mm की डिस्टेंस पर लगाया है। अब एल पॉइंट से बैक हाइट पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ट्रेस करेंगे। हमने एक लाइन ट्रेस कर दी इसमें। अब यहाँ से बैम पॉइंट से एक लाइन ट्रेस करें 90 डिग्री के एंगल पर। हमने एक लाइन ट्रेस कर दी। यहाँ 15 mm के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लगाएंगे। बैम पॉइंट से 15 mm के डिस्टेंस पर हमने इस लाइन पर पॉइंट लगा लिया। ये पॉइंट से एक लाइन ट्रेस करेंगे जो इस पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट में मिलेगी। देखिए, हमने एक लाइन ट्रेस कर दी है। अब यहाँ से इसको राउंड करेंगे। हमने राउंड करते हुए इसको यहाँ इस लाइन में मिला दिया। हाईलाइट कर लेते हैं इसको। अब के पॉइंट से बैक हाइट पॉइंट के बीच मिडिल में एक पॉइंट लाएंगे। ये 133 mm, इसका मिड पॉइंट आएगा 66.5 mm। अब इस पॉइंट से 7 to 10 mm के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लगाएंगे। 8 mm पर लगा लेते हैं। 8 mm के डिस्टेंस पर हमने एक मार्क लगा लिया इस मिड पॉइंट से। अब देखिए, इस लाइन को यहाँ ऊपर राउंड करते हुए इस पॉइंट से बैक हाइट में मिलाएंगे। देखिए, यहाँ लगाएंगे 20 mm के डिस्टेंस पर पॉइंट, और यहां रखेंगे इसको 18 mm।
देखिए अब यहाँ से एक लाइन ट्रेस करेंगे जो इस पॉइंट से यहाँ मिल जाएगी। देखिए ये हो गया इसका कॉलर, यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन इसमें ट्रेस करेंगे। देखिए हमने एक लाइन इसमें ट्रेस कर दी है। देखिए अब यहां से 60 एमएम की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लगाएंगे और एक लाइन ट्रेस करेंगे 90 डिग्री के एंगल पर, अब इसको इसमें मिलाएंगे। देखिए अब एक मिड पॉइंट लगाएंगे इसका, यह 48 एमएम 24, यहां देख लेते हैं 60, यहां पॉइंट लगा दिया 30 एमएम की डिस्टेंस पर, यहां आ जाएगी स्टिच। देखिए काउंटर ट्रेस कर लेते हैं इसमें, 85 एमएम की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लगाएंगे, यहां से एक लाइन ट्रेस करेंगे। देखिए अब इस पॉइंट से इसमें 30 एमएम की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लगाएंगे, हमने पॉइंट लगा दिया 30 एमएम की डिस्टेंस पर, अब यहां से इसमें एक लाइन ट्रेस करेंगे। देखिए ये हमने काउंटर इसमें ट्रेस कर दिया है, अब इसमें हमें टंग बनानी है, वैल्यू टंग। इसमें जो टंग है वो ऊपर से इसमें जॉइंट की जाती है, वही टंग अंदर जाती है, इसके पैटर्न इसके हिसाब से निकलेंगे, और जो वैल्यू टंग है वो इसके ऊपर से लगेगी, वो भी ट्रेस कर लेते हैं हम इसमें। 24 एमएम की डिस्टेंस पर, 24 एमएम की डिस्टेंस डिवाइडर में सेट करेंगे और यहाँ से इसमें लगाएंगे 24 एमएम। देखिए और यहाँ से बी पॉइंट से 18 एमएम, बी पॉइंट से 18 एमएम। देखिए हाईलाइट कर लेते हैं इसको, जाइए इसके ऊपर से। इसको यहां मिलाएंगे, ये बनेगी इसमें बैलो टंग, ये ऊपर रहेगी और यही अंदर इसके जाएगी। पैटर्न बनाएंगे तब इसको बताएंगे किस प्रकार से ये बनेगा। आईलेट के मार्क लगा लेते हैं इसमें, देखिए ये है आईलेट, इसको इसकी एज से मिलाकर और एक पॉइंट लगाएं। देखिए यहाँ आएगा ये फर्स्ट आईलेट, डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं और यहाँ से डिवाइडर लगाएंगे। देखिए अब इसमें 25 एमएम डिस्टेंस पर इसमें मार्क लगाएंगे, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, यहाँ और एक यहाँ, ये हमने 4 हाइलाइट्स के मार्क लगा लिए हैं। स्टिच ड्रॉ कर लेते हैं इसमें,
अब इस एल पॉइंट से इसमें एक लाइन ट्रेस करेंगे जो आई पॉइंट से होकर जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट से इसको रखेंगे 15 mm, 15 mm पर तक इसको ट्रेस किया हमने। अब इस पॉइंट से इसमें एक लाइन ट्रेस किया हमने और 45 mm की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लगा लिया है। इसकी जो विड्थ है 45 mm रखेंगे। दोस्तों ये बना लिया हमने बेल रोटेंग सेफ्टी बूट स्टैंडर्ड 12 cm हाइट। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।